वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है क्या, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर वालों ने लाख कोशिश की उस महिला को समझाने की, घर में कोहराम भी मच गया, मगर उस महिला की समझ में नहीं आया। बेटा बार बार कह रहा था कि माँ, ये अष्ट धातु की मूर्ति है, ये जमीन में गिरने से कोई चोट नहीं लगती इसको, लेकिन वह तो कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम तो डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लाल को जाकर दिखाओ। चीख पुकार हल्ला सुनकर पड़ोस में जो पड़ोसी रहते थे, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। कहा, पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? लड़के ने कहा, मेरी माँ पागल हो गई, मेरी माँ पागल हो गई, अरे अष्ट धातु की मूर्ति जमीन में गिरी है और कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन पड़ोसियों में एक बुजुर्ग इंसान, उसने बेटे को बुलाया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, अपने मोहल्ले में जाओ, दो चार डॉक्टर रहते हैं, किसी को भी लेकर आ जाओ और आकर अपनी माँ को तसल्ली दे दो। उसको जब कुछ समझ में आया, गया डॉक्टर के पास, सबने मना कर दिया, अरे अष्ट धातु की मूर्ति को हम क्या जांच करेंगे, क्या चेक करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, हम तो नहीं जाएंगे, मना कर दिया। उसमें से एक डॉक्टर जिसको उसने मनाया, मिनते की, हाथ पैर जोड़े, कहा, क्या चाहिए, जितनी भी आपको फीस चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं, एक बार हमारी माँ को चलकर तसल्ली दे दीजिए कि उनका लल्ला ठीक है। जब डॉक्टर ने बात सुनी, कहने लगे, ठीक है चलिए, अपना बैग ब्रीफकेस उठाया और चल दिया उसके घर। उसके बाद आगे क्या हुआ, नबज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूं कोई तकलीफ नहीं है, वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं हुई, वो औरत बोली, अरे डॉक्टर ये तू कैसी जांच कर रहा है, अपना बैग खोल, अपनी मशीन निकाल, जो कान से लगाने के बाद सीने पे लगाता है, और उसी मशीन से मेरे लाल की ठीक से जांच कर और देख
मेरे लाल को क्या हुआ। डॉक्टर ने अपना बैग खोला, वो मशीन निकाली, एक सिरा अपने कान से और दूसरा सिरा लल्ला के सीने पे लगाया, और सीने पे लगाने के बाद हाथ की नब्ज को पकड़ा और दूसरा सिरा जब सीने से लगाया तो उसके बाद देखिए क्या होता। ज्यों ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है डॉक्टर ने ये नजारा देखा, उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी सब की सब धरी रह गई। अपना बैग वहीं छोड़ा और जाने लगा। उस महिला ने डॉक्टर को आवाज लगाई, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहे हो, अपना बैग तो लेते जाओ। उस डॉक्टर ने उस महिला से कहा, क्या देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। डॉक्टर ने उसके बेटे को बुलाया और कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।